नमस्कार, आपका हैगुड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के थापन आज आपको रोमन नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और हम किस तरह से रोमन नंबर्स को बनाते हैं। जैसे हमने हिंदू अरेबिक डिजिट देखी, हमने देवनिगरी डिजिट को देखा, हमने रोमन नंबर्स को देखा, तो ये तो होगी हिंदू अरेबिक, ये होगी देवनिगरी और ये हो जाएगा रोमन नंबर। जैसे हिंदू अरेबिक हमने लिखा हुआ, क्योंकि हिंदू अरेबिक जो है वो इंटरनेशनल पर मान्य है। देवनागरी पहले होती थी लेकिन ये सिर्फ अपने भारत के अंदर थी, इंटरनेशनल स्तर पर इसको मान्यता नहीं मिली। इसको हम हिंदी में लिखेंगे वन और रोमन नंबर के हम इस तरह से फर्स्ट से लिखते हैं, जैसे ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। We use only 10 numbers. इसके अंदर लिखा हमने देवनागरी के अंदर ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पहले ये दोनों प्रचलित थे लेकिन इसके बाद में रोमन नंबर्स आए और रोमन नंबर्स को हम कैसे बनाएंगे, यानी कि रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 7 बातें होती हैं, ओनली 7 सिंबल वी यूज। जैसे मान लो ये हो गया फर्स्ट, एक ये हो गया फिफ्थ, एल ये हो गया 50, सी सेंचुरियन के 100 और डी ये हो गया 500 और इसके बीच में 10 हो जाएगा 10 एक्स एम और इसके बाद हो गया एम ये हो गया 1000, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 ओनली 7 बेसिक रोमन सिंबल्स दैट आर वी यूज्ड, नंबर्स न्यूमेरस एंड दे आर 1, 8, 10, 15, 50 यानी कि जिसको हमने ये आ गया 100, ये आ गया 500 और ये आ गया 1000। अब हम इसको बनाएंगे कैसे बाकी नंबर्स, देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया वन। अब हमने फर्स्ट प्लस फर्स्ट इसको दो बार लिखा, फर्स्ट और फर्स्ट, ये हो गया वन प्लस वन ये हो गया टू। फिर हमने थ्री बार्स लिखा, 1, 2, 3। इसको हमने तीन बार लिखा, 1 + 1 + 1 ये आ गया 3। एक सिंबल को सिर्फ हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते कि वन सिंबल वी यूज ओनली थ्री टाइम्स, नेवर वी यूज मोर देन 3 times। हम 3 बार से ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मान हम इसको लिखें 1, 2, 3, 4, हम इसको 4 लिखा, ये हमारा गलत है, क्योंकि एक हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक सिंबल को ओनली 3 times यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ओनली 3 times, ओनली वन सिंबल्स 3 times रिपीट, नेवर मोर देन 3 times।
हम तीन बार से ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो हम फोर्थ कैसे बनाएंगे, पहले हम फिफ्थ लिखेंगे, इसके लेफ्ट ओवर हम वन को लिख लेंगे। इसका मतलब फाइव माइनस वन ये फोर बन गया। किसी भी स्मॉल सिंबल को हम ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट की ओर तरफ लिखते हैं, इसका मतलब वो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। फाइव इज बिगर सिंबल एंड वन इज स्मॉल सिंबल। व्हेन वी राइट लेफ्ट साइड ए स्मॉल सिंबल टू द ग्रेटर सिंबल्स, बिगर सिंबल्स इन दिस कंडीशंस माइनस। ऐसे ये फाइव है, ये बड़ा है, वन है ये छोटा है। जब भी बड़े सिंबल के बाई ओर लेफ्ट ओर जब हम छोटा सिंबल लिख देते हैं, इसका मतलब वो माइनस होता है। तो फाइव में से वन गया, कितना बचा? फोर बचा। अब फाइव का अपने पास सिंबल है, ये आ गया फाइव। अब वन ये हो गया सिक्स, क्योंकि जब छोटे सिंबल को हम बड़े सिंबल के राइट ओर लिख देते हैं तो वो हमेशा ही प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। जैसे हमने लिखा फाइव, हमने राइट की तरफ इसके लिखा छोटा सिंबल, लेफ्ट की तरफ है बिग सिंबल, बिगर सिंबल, तो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे फाइव वन दिया जाएगा सिक्स। अब फिफ्थ हम इसके अंदर दो प्लस कर दें, ये सेवन हो जाएगा। अब इसके अंदर थ्री प्लस कर दें तो ये एट हो जाएगा। अब नाइन वी कैन नॉट राइट एस, क्योंकि एक सिंबल को सिर्फ हम थ्री टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, हम थ्री टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। नेवर रिपीट मोर देन थ्री टाइम्स। तो नाइन को हम कैसे लिखेंगे कि बड़े सिंबल को हम लिखते हैं पहले और छोटे सिंबल्स को लिखेंगे लेफ्ट ओर बाई ओर। जैसे मान लीजिए टेन है, इसको हम लेफ्ट की तरफ लिख दें तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन माइनस वन, ये आ गया नाइन। और अब हम लिखते हैं टेन को, ये आ गया। अब 11 हो जाएगा, इसके आगे लिखते जाएंगे। 12 हो जाएगा, इसके आगे लिखते जाएंगे। 13 हो जाएगा, इसके आगे लिखते जाएंगे। अब 4 का अपने पास सिंबल है ये, हम इसको यूज कर लेंगे। 14 हो गया, अब हम इसको ये 15 हो गया, अब अपने पास सिंगल है ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, अब आता है अपने पास 19। अब अपने पास 9 का सिंबल है, वी यूज दिस सिंबल, ये 19 हो गया और ये 20 हो गया। अगर अब हम देखें 21, तो 20 प्लस 1 21 हो गया। इसी तरह से 22, 23, थैंक्स हो गया। थोड़ी मैंने